गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन सी ए बी अब देखो हमें पता होता है कि हम किसी फंक्शन को कब बोलते हैं कि वो बाउंडेड वेरिएशन का है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ इट्स टोटल वेरिएशन वेरिएशन ऑफ डब्ल्यू ऑन ए बी इज फाइनाइट जहाँ पे वेरिएशन डब्ल्यू टोटल वेरिएशन की क्या वैल्यू होती है ये होता है सुप्रीमम ऑफ द स्टॉन सो हेर सुप्रीमम इज टेकन ओवर ऑल द पार्टीशंस ए और बी के सारे पार्टीशन्स पार्टीशन किस टाइप से किया ए इज़ इक्ल्स टू टी नॉट एंड बी इज़ इक्ल्स टू टी एन और इसके बीच में और एलिमेंट्स डाल दिए तो ये पार्टीशन किसका है इंटरवल ए बी का सो ऑल्सो फॉर एन बिलोंग्स टू एन इज़ आर्बिट्रेरी ये जो एन है ये हमने कोई फिक्स नहीं किया हमने कोई आर्बिट्री नंबर रखा है सो इज़ द चॉइस ऑफ द वैल्यूज इसलिए ताकि हम इसके लिए मतलब कोई फिक्स टर्म्स ना आ जाए हम इनकी चॉइस को भी चेंज कर सकते हैं देखो टी नॉट और टी एन ये तो फिक्स रहेंगे क्योंकि टी नॉट इज़ ए एंड टी एन इज़ बी तो ए और बी को तो आप पार्टीशन से नहीं हटाएंगे तो इसके बीच के कौन कौन है टी वन से लेके टी एन माइनस वन तक हम इनकी वैल्यूज़ को ऑल्टर कर सकते हैं सो विच हाव वो मस्ट सेटिस्फाई टू बट ये वैल्यूज किस टाइप से लेनी है टी वन से लेके टी एन माइनस वन की कि ये ये जो रिलेशन है इसको सेटिस्फाई करें मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में एक सीक्वेंस लेनी है नंबर्स की सो ऑल्सो वी नो दैट ऑल फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी फॉर्म ऑफ एक्टर स्पेस और उस वेक्टर स्पेस के नाम हम किस टाइप से डिफाइन करते हैं इस टाइप से ठीक है ये तो हो गया इतना और ये जो है नॉम स्पेस इस डिनोट हम इसको डिनोट किस टाइप से करेंगे बी वी और ये क्लोज इंटरवल ए बी इसका क्या मीनिंग है कि ये क्या है बाउंडेड वेरिएशन का है देन अब हम रिमिन स्टिलजे के लिए भी इसके एप्लीकेशन देखते हैं कि रिमिन स्टिलजे के लिए हम क्या करेंगे सो so, एक्स लिया हमने कोई सी ए बी से बिलोंग करने वाला और डब्ल्यू ले लिया कोई भी इस बाउंडेड वेरिएशन का सो पी एन बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी जैसे हमने ऊपर पार्टीशंस लिखे थे उनमें से पी एन कोई भी एक पार्टीशन है अब एन को आप चेंज करा सकते हो इसलिए इसको पी एन लिखा है क्योंकि हमने एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कोई भी आर्बिडरी नंबर लिया था सो गिवन बाय टू एन डनोट बाय अब हम क्या करेंगे इन सब ये जितने भी हैं इनमें से जो लार्जेस्ट इंटरवल निकलेगा एन पी एन इज़ लेंथ ऑफ लार्जेस्ट इंटरवल ऑफ दिस सो एन पी एन लार्जेस्ट इंटरवल है तो हम क्या करेंगे ये किसके इक्वल होगा मैक्सिमम ऑफ T1 वन माइनस टी नॉट मतलब जितने भी सब इंटरवल्स पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे लिख दिए हमने T1 वन माइनस टी आगे T2 टू माइनस टी वन टी थ्री माइनस टी टू सारे आएंगे उन सब में से जो सबसे मैक्सिमम वाली वैल्यू आएगी हमने उसको लेट किया क्या हमने ये लेट किया ईटा ऑफ पी पी एन डन तो अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रिमल स्टिल जो इंटीग्रल कैसे डिफाइन करते हैं उसका सम सो एस ऑफ पी एन इज इक्वल्स टू द समीशन ओवर किस किस का समीशन लेंगे यहाँ पे ये कौन है जिसके ओवर ये बाउंडेड वेरिएशन था और ये हमारा फंक्शन है तो ये तो सिर्फ डेफिनेशन है रिमन स्टिलजे की अभी हमने ज़्यादा कुछ भी डिटेल्ड नहीं किया ऊपर भी हमने सिर्फ लिखा था कि बाउंडेड वेरिएशन और नॉर्म स्पेस के बीच में जो रिलेशन होता है वो लिखा और यहाँ पर रिमन स्टिलजे वाला लिखा सो दस एम्प्लाइज अगर सम की वैल्यू वो आ रही है सो दस एम्प्लाइज दे आर एग्जिस्ट नंबर रो विद द प्रॉपर्टी दैट फॉर एवरी एबसायलेंट ग्रेटर देन जीरो देयर इज डेल्टा ग्रेटर देन जीरो लिमिट वाली जो डेफिनेशन होती है कन्वोजन सो एन पी एन लेस देन डेल जब जब होगा तब तब रो माइनस द सम शुड बी लेस देन एबसाइलेंट और उसको इक्वेसन नंबर फाइव एंड सिक्स दे दिया देन रो इज कॉल्ड द रिमिन स्टिल इंटीग्रल ऑफ़ एक्स ये हमने सब पढ़ा हुआ है कहाँ एम एस सी फोर्थ से में रियल में विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू एंड इज डिनोटेड बाय दिस और हम रिमिन स्टेल जे को ऐसे डिनोट करते हैं अभी अभी तक तो सिर्फ डेफिनेशन चल रही हैं सारी एंड ऑल्सो वी नो दैट इसके जो इंटीग्रल होगा अगर हम उसका नॉर्म फाइन उसका मतलब उसको बाउंड करना चाहें तो हम उसका अगर मॉडुलर्स लें तो वो किससे लेस होगा दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्सटेन टू वेरिएशन ऑफ डब्ल्यू और ये जो मैक्सिमम लिया है वो कहाँ से लिया है टी कहाँ से बिलोंग कर रहा है जे से एंड वॉट इज जे जे इज क्लोज इंटरवल ए बी तो पूरे इंटरवल के मैक्सिमम लिया है हमने सो इन फैक्ट अगर मैं ले लूँ ये डब्ल्यू टी को टी ही ले लें तो डब्ल्यू टी को जब आप टी पुट करेंगे तो जो वेरिएशन आएगी वो कितनी आएगी बी माइनस से सो वेरिएशन ऑफ डब्ल्यू के प्लेस पे आप बी माइनस ए लगा दें और डब्ल्यू ऑफ़ टी के प्लेस पे टी लिख दें तो ये क्या आएगा ए टू बी इंटीग्रल एक्स टी डी ऑफ डब्ल्यू टी के प्लेस पे सिर्फ टी लिखना है तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ डी टी ठीक है यहाँ बचा डी टी लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ दिस एक्स टी याज इट इज वेरिएशन कितनी आ गई अब बी माइनस ए है एंड लेट्स से दिस बे क्वेश्चन नंबर नाइन अब आती है हमारी रीस थ्योरम की स्टेटमेंट और इस रीस थ्योरम की स्टेटमेंट में मैंने जो एप्लीकेशन मींस जो डेफिनेशन आपको पूरा कंसेप्ट पीछे बताया वो दोनों यूज़ होने वाले हैं तो एज इट इज़ मैं इक्वेशन नंबर नाइन तक मैंने यहाँ नेमिंग की है तो इसी को कंटिन्यू करने वाली हूँ अगर आपके पेपर में आती है रीस थ्योरम तो वो जो बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई हैं वो आप पूरी एज इट इज़ लिखेंगे फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे सो द स्टेटमेंट इज एवरी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एफ ऑन सी ए बी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय रिमिनस्टल जे इंटीग्रल हम किसी भी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल को जो सी ए बी के ऊपर डिफाइंड है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिमिनस्टल जे इंटीग्रल की फॉर्म में कैसे एफ़ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए टू बी एक्स टी डी ऑफ डब्ल्यू टी इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर टेन जहाँ जहाँ पे ये W कहाँ से आ रहा है बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी सी एंड हार्स और अभी इतने पे भी स्टेटमेंट ख़त्म नहीं होती है फंक्शनल को तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिसकी टोटल वेरिएशन आएगी इस W की वो टोटल वेरिएशन कितनी होगी जितना की इस F जिस फंक्शनल की हम बात कर रहे हैं जितने उस फंक्शनल की नॉर्म होगी तो ये दोनों चीज़ें हमें प्रूफ करनी है एंड वी आर गिवन ओनली वन थिंग कि ये जो लीनियर ये f क्या है लीनियर फंक्शनल है जो कि बाउंडेड है और ये डिफाइंड किसके ऊपर है सी ए बी के ऊपर सो लेट स्टार्ट विद द प्रूफ अब इस प्रूफ में सबसे पहले हम यूज करेंगे हान बनाक थ्योरम फॉर नॉर्म स्पेसिस सो नॉर्म स्पेसिस के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही करा दिया आप एक बार उसकी स्टेटमेंट पढ़ लें फिर इसका प्रूफ स्टार्ट करें पढ़ना ठीक है सो so, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग f की एक लीनियर एक्सटेंशन आएगी f टिल डे और कहाँ से कहाँ तक c ab से नॉर्म स्पेस b ऑफ ab तक कंसिस्टिंग ऑफ ऑल बाउंडेड फंक्शंस विद द नॉर्म डिफाइंड बाय दिस और हम उसमें यह भी बोलते थे कि जो लीनियर फंक्शनल की जो नॉर्म आएगी जो हमने एक्सटेंशन लिए, उसकी नॉर्म कितनी होगी जितने की लीनियर फंक्शनल की नॉर्म होती है तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट यहाँ तक मैंने स्टेटमेंट से ही कॉपी किया है अपना कुछ भी नहीं लिखा तो यहाँ तक सारी डेफिनेशन स्टेटमेंट्स थी अब प्रूफ स्टार्ट होता है कि हम प्रूफ में बेसिकली करेंगे क्या सो so, हम क्या करेंगे देखो हमें डब्ल्यू एक फंक्शन चाहिए तो हम डब्ल्यू को डिफाइन करना चाहते हैं जो कि हमें इक्वेशन नंबर टेन में प्रूफ करना है सो so, उस W को डिफाइन करने के लिए हम पहले एक्स टी डिफाइन करेंगे एक फंक्शन उस फंक्शन की हेल्प से और एक जो हमने अभी लीनर एक्सटेंशन फाइन की एफ टल डे उन दोनों की हेल्प से हम एक w डिफाइन करेंगे तो पहले एक्स टी को डिफाइन करो फिर w को डिफाइन सो एक्स टी हमने किस टाइप का फंक्शन लिया है ये देखो ग्राफ देख लो आप एक्स टी का तो ये किस टाइप से देखो a से लेके t तक इसके अंदर जब भी वैल्यूज आप डालेंगे और ये एक्स टी है मतलब अगर एक्स वन निकालो तो वन तक वैल्यूज सो so, यहाँ पे जब भी आप वैल्यू डालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू सिर्फ वन ही रह रही है ए से लेके टी तक एक्स टी की वैल्यू वन है और उसके बाद ये रही ग्रीन वाली लाइन ना नीचे तो इसके बाद वैल्यू कितनी है सो एक्स टी इज़ इक्वल्स टू वन जब ये कहाँ से होगा ए और टी के बीच में से आएगा टी और जब टी इसके अलावा कहीं और से होगा तो हम क्या लेंगे उसको ज़ीरो देन क्लियरली हमें ये पता है कि ये जो एक्स टी हमने फंक्शन डिफाइन किया है ये बी ए बी से बिलोंग करेगा दिस एक्स टी ये जो इस टाइप का फंक्शन है दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरस्टिक फंक्शन ऑफ दिस इंटरवल एटी यूजिंग एक्स टी ऑन द फंक्शनल एफ टलडे मैंने आपको बोला था ना कि हम डब्ल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे एक्स टी और एफ टलडे की हेल्प से सो यूजिंग एक्स टी ऑन द फंक्शनल एफ वे डिफाइन डब्ल्यू ऑन क्लोज इंटरवल ए बी बाय डब्ल्यू एफ एज़ इक्वल्स टू जीरो एंड डब्ल्यू एफ टी इज इक्वल्स टू एफ टिल डे ऑफ एक्स टी और टी कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है देखो पूरा क्लोज इंटरवल ए कमा बी पे हमने डब्ल्यू को डिफाइन किया है ए के ऊपर हमने वैल्यू लिख दी है ज़ीरो और उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स बचे मतलब ए के ऊपर ओपन कर दिया और बी तक सारी वैल्यू जब टी इस इंटरवल से बिलोंग करेगा तो हमने क्या वैल्यू दी है डब्ल्यू को एफ टिलडे ऑफ एक्स टी इस टी के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स टी की जो वैल्यू आएगी उसकी इमेज अंडर एफ टिलडे हमने लेनी है और वो क्या होगा डब्ल्यू नाउ वी शो दैट दिस डब्ल्यू इज अ बाउंडेड वेरिएशन एंड वेरिएशन ऑफ दिस डब्ल्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड्यूल्स ऑफ एफ अब ये कैसे शो करेंगे ये देखना है सो so, देखो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के लिए पोलर फॉर्म कंसिडर कर सकते हैं और पोलर फॉर्म में जो आर्ग्यूमेंट आता है तो हमने ले लिया थीटा थीटा इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ़ दैट ये क्या है जीटा जीटा कोई भी यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर लिया अगर आप जीटा नहीं लिखना चाहते आप जेड लिख सकते हो ठीक है अब ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जेड लिखते हो ना आप जेड लिख सकते हो वो आपके विषय है मैंने जीटा आपकी बुक से मैच करने के लिए जीटा लिखा ताकि आप बुक से मतलब जब पढ़ो तो आपको समझ आ सके सो थीटा इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ जीटा देन वी मे राइट क्योंकि जब हमारे पास जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो हम लिख सकते हैं क्या कि जेड इज इक्वल्स टू मॉडल ऑफ जेड इंटू ई रेस्ट टू थीटा, यही होता है। तो हमने ये क्या लिखा जीटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सो जीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ जीटा इं टू ई रेस्ट टू दिस आर्ग्यूमेंट डन सो वेयर e of जीटा इज इक्वल्स टू e ऑफ जीटा क्या होगा या तो वन होगा क्योंकि देखो जब यहाँ पे आप ज़ीरो डालेंगे तो ये टर्म कितनी आएगी ज़ीरो डालो तो e टू दी पार ज़ीरो वो वन ही होता है तो ये टर्म कितनी आएगी वन और e रेस्ट टू दी पार आइटा थीटा हमने लिया जब ये नॉन जीरो होगा मतलब बेसिकली ये यही वाली डिफाइन है आपको ये कन्फ्यूज़ नहीं होना ना कि यहाँ पे आयोटा नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे भी इस z के लिए ये डायरेक्टली हमने ई रेस टू दिपार आटा थीटा नहीं लिखा हमने इसको डायरेक्टली लिखने की बजाय यहाँ पे एक और ई e ऑफ जीटा लिख दिया और ई e ऑफ जीटा की वैल्यूज़ को डिफाइन कर दिया कि ज़ीरो होगा तो वन होगा और नॉन जीरो होगा तो ये होगा बट बेसिकली आ तो इसी से भी यही रहा है ना तो ये हैं दोनों सेम ही सो वी सी दैट जब जीटा नॉन नॉन ज़ीरो है जब जीटा नॉन जीरो, जीरो है तो ई e ऑफ़ जीटा की वैल्यू क्या है ई रेस टू दि पार आइटा थीटा तो यहाँ पे लगा दो ई रेस्टू दीपार आटा थीटा और यहाँ से मॉडलर्स ऑफ जीटा की वैल्यू फाइंड करो तो ये टर्म्स के नीचे जाएगी और इसकी वैल्यू क्या है ई रेस्ट टू दीपार आटा थीटा सो जीटा बाई ई रेस्ट दीपार आटा थीटा आ गया देन जीटा इंटू ई रेस्ट टू दीपार माइनस आटा थीटा हो गया ये ऊपर जाके हैंस फॉर एनी जीटा जीरो और नॉन जीरो वी हैव दस देखो अगर जीटा ज़ीरो हो गया ठीक है अगर जीटा जीरो हुआ तो ये वैल्यू कितनी आएगी वन तो वन भी आ जाए तब भी ये तो होल्ड हो रहा है देखो आप चेक करो नॉन ज़ीरो के लिए तो हमने ये फाइंड ही किया है पर आप जीटा को जीरो डाल के भी चेक कर सकते हैं ये फिर भी होल्ड हो रहा है तो यहाँ तक हमने कर लिया अब हम थोड़ी से सिम्प्लीफिकेशन के लिए एक टर्म डिफाइन कर दो टर्म्स डिफाइन करें एक भी नहीं एक ले रहे हैं हम एबसाइलन जे इस टर्म को हमने लिया एबसाइलन जे और x ऑफ t j को हम लिखेंगे x ऑफ j ठीक है ताकि हम थोड़ा सा बड़ी बड़ी टर्म्स में ना डील करें और ये x ऑफ t j t j लिखने की जगह वो सब्सक्रिप्ट की भी सब्सक्रिप्ट बन रही है तो हमने उसको छोटा करने के लिए बस बीच में से t हटा दिया उसको डायरेक्टली x j लिखा बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ और है वो है x t j ही बस उसको नोटेशन हमने x j से दे दी है सो देन बाय इक्वेशन ट्वेल्व फॉर एनी पार्टीशन इक्वेशन ट्वेल्व से अगर हम कोई भी ये सम निकालेंगे इस सम की वैल्यू कितनी आएगी देखो हमें पता है डब्ल्यू की वैल्यू ए के ऊपर जीरो है और उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं सबके ऊपर ऊपर एफ डिलडे ऑफ एक्स टी है ठीक है थीके? तो अब हमने यहाँ पे क्या डाला देखो जब j को आप वन डालोगे तो क्या आएगा w ऑफ टी वन माइनस डब्ल्यू ऑफ टी नॉट एंड टी नॉट इज टी नॉट क्या है ए क्योंकि पार्टीशन ए से स्टार्ट हो रहा है तो जब टी नॉट ए है तो डब्ल्यू ऑफ़ ए तो ज़ीरो है तो ये डब्ल्यू ऑफ़ ए ज़ीरो आ जाएगा ये थी पहली टर्म सिर्फ पहली टर्म के ऊपर ही जीरो है इसलिए तो मैंने पहली टर्म लिखी बाकी सब पूरा समीशन आज इट इज़ लिख दिया बस डब्ल्यू के प्लेस पे एफ टिलडे ऑफ एक्स जे क्योंकि टी जे इज़ एक्स जे एंड टी जे माइनस वन के लिए एक्स जे माइनस वन आएगा ठीक है और ये W ऑफ t नॉट इज W ऑफ a एंड तो ये टर्म जीरो हो जाएगी सिर्फ बचेगा क्या मॉडल ऑफ एफ टिलडे एक्स वन अब देखो किस किस को कंबाइन करेंगे यहां से और यहां से अब यहाँ पे वैल्यूज लगाओ तो ये टर्म क्या बनेगी एप्सैलन वन एफ टिलडे एक्स वन यहां से भी हर टर्म में से एफ्सायलन एप्सैलन कॉमन आएगा यहाँ इंडेक्सिंग जे है तो मैंने हमसायलन जे लिख दिया ठीक है अब क्योंकि ये एफ़ टिल्ड डे है लीनियर एक्सटेंशन है तो हम क्या कर सकते हैं इन पूरे ये स्केलर अंदर जा सकता है और ये वाले स्केलर भी इसके अंदर जा सकते हैं और एफ़ टिलडे पूरा बाहर आ सकता है सारे आर्ग्यूमेंट्स अंदर ये होते हैं लीनियर देखो लीनियर हम कब बोलते हैं देखो एफ़ टुल ऑफ़ अल्फ़ा एक्स शुड बी इक्वल्स टू अल्फ़ा टाइम्स एफ़ टल एक्स एंड द सेकेंड थिंग इज एफ़ टुल ऑफ़ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ टिल्स प्लस एफ टल डे वाई तो इन दोनों डेफिनेशन को कंबाइन करके हमने स्केलर्स भी अंदर ले लिए और आर्ग्यूमेंट्स को भी कंबाइन कर दिया तो f tilde बाहर आ गया बाकी सब अंदर ठीक है तो तो इस ये जो टर्म है हमें पता है कि f ऑफ x अगर हम लिखते हैं तो ये लेस देन इक्वल्स टू होता है नॉर्म ऑफ f इन टू ऑफ x तो वही डेफिनेशन यूज की एफ टिलडे की नॉम इन टू नॉम ऑफ द स्टर्म ठीक है अब ऑन द राइट साइड हमने ये स्टार्टिंग में लिख दिया था जब हान भनाक थ्योरम हमने लिखी थी कि एफ टिलडे की नॉम और एफ की नॉम सेम होती है सो ऑन द राइट साइड एफ टिलडे की नॉम तो एफ़ के इक्वल है एन द अदर फैक्टर इक्वल्स वन मतलब ये जो सेकेंड फैक्टर की नॉम है ये वन आ रही है अब ये वन कैसे आ रही है ये देखते हैं तो ये वन आने के लिए देखो ये जो हमने एप्साइलिन डिफ़ाइन किया है आप एप्साइलन के डेफिनेशन से चेक कर सकते हैं कि क्या उसका मॉडलस वन ही आएगा एप्साइलिन को हमने डिफाइन किस टाइप से किया है हमने किया है उसको एक्सपोनेंशियल ऑफ समथिंग और उसका कॉन्जुकेट और ये जो अंदर भी यूज़ किए हैं ये डब्ल्यू यूज़ किए हैं और डब्ल्यू को हमने डिफ़ाइन किया है एक्स की हेल्प से सो यू कैन इजीली चेक कि ये जो एप्साइलन जे है इसका मॉड मॉडाना आएगा एंड फ्राम डेफिनेशन ऑफ एक्स जेज जो हमने एक्स जेज की डेफिनेशन की है एक्स जे मीन्स एक्स ऑफ टी जे एंड एक्स ऑफ टी जे हमने याद तो जीरो था या वन था तो ये जो जितने भी आएंगे एक्स जे माइनस एक्स जे माइनस वन जब भी आप वैल्यूज देंगे सो so ये सारे क्या होंगे नॉन जीरो होंगे इन सब में से कोई एक ही नॉन ज़ीरो होगा और वो नॉन ज़ीरो भी क्या होगा वन क्योंकि एक्स जे की एक्स टी जे की दो ही वैल्यूज हैं या तो जीरो या वन कैरेक्टर्स एक फंक्शन था ना तो इन सब में से एक टाइम पे सिर्फ एक ही नॉन जीरो होगा और वो नॉन जीरो जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी वन तो इसलिए इसकी जो नॉर्म आएगी वो वा आएगी वन सो so ये जो पूरी टर्म है दिस समेशन ये जो समेशन वाली टर्म है दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू किससे लेस होगी मॉडल नॉर्म ऑफ एफ टलडे इन टू वन और ये नॉर्म ऑफ एफ टुल भी क्या है नॉर्म ऑफ एफ ही है ओके okay? सो so, इतना डन इस थियोरम का बचा हुआ पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सो थैंक यू क्लास